तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट की न्यू वैकेंसी के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि फ्लिपकार्ट ने 2024 के लिए न्यू वैकेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके लिए पूरे भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्क फ्रॉम होम जॉब वैकेंसी भी निकाली गई है, जिसके लिए आप घर बैठे काम कर सकते हैं और आराम से पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस वगैरह नहीं रहने वाली है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी आपकी फ्लिपकार्ट की तरफ से निकाली गई है। फ्लिपकार्ट के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें ऑल ओवर इंडिया से सभी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट से जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने से पहले आप सभी पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट जरूर कर लें, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट होने के साथ साथ आपका सिलेक्शन हो पाए। इसलिए पहले आप सभी पूरे इंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझें और उसके बाद ही अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ये प्रॉब्लम आती है, उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि वो सही तरीके से फॉर्म को अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, तो फ्लिपकार्ट के बारे में ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि एक ई कॉमर्स कंपनी है, इंडियन ई कॉमर्स कंपनी। इसके बारे में अगर यहाँ पे बात करें तो एक ओवरव्यू दिया गया है, तो कुछ ओवरव्यू में आप सभी को डिटेल्स दी गई है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसीज के बारे में बात करें, तो 5000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट के बारे में बात करूं तो जैसे आपका कस्टमर सर्विस हो गया, एग्जीक्यूटिव सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंटेंट, सिक्योरिटी ऑफिसर, पैकिंग बॉयज, वेयर हाउस कीपर, फाइनेंस मैनेजर, ग्रेजुएट ट्रेनी इंजीनियर, इंजीनियर जैसी वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। यानी कि ऑलमोस्ट हर एक क्वालिफिकेशन के साथ आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक की पोस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। सबसे मेन चीज आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसके लिए हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन वगैरह चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा मैं एज लिमिट की, तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, वो सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट, दोनों के लिए सेम एज क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आती है, तो मिनिमम 10th पास है यहाँ पे वैकेंसी है, इसके अलावा 12th पास, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने के लिए मिल जाती है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल यानी सैलरी की अगर बात करें, तो मिनिमम 25,700 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है और सैलरी जाती है 63,800 रुपए पर मंथ, और ये सैलरी डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पे, आपके एक्सपीरियंस पे और आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस के ऊपर, कि कितना बढ़िया आपका इंटरव्यू जाता है, कितनी बढ़िया आपके पास क्वालिफिकेशन और कितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर को आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में कम सैलरी मिलती है, बट जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपका प्रमोशन हो जाता है और आपको सैलरी भी हाइक हो जाती है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही इजी है, केवल इंटरव्यू यहां पे आपका होता है। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है और उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ये इंटरव्यू आपका कुछ केसेस में ऑनलाइन होता है और कुछ केसेस में आपको ऑफलाइन भी इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है कि जो एचआर टीम है वो आपको इंटरव्यू ऑनलाइन करवाती है या फिर ऑफलाइन, उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू होता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप सभी को बता दें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले जाके आप इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करके इसके लिए अप्लाई करना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन मोड आपको बताया गया है कि केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो अगर आपको भी किसी भी तरीके से ऑफलाइन वगैरह बताता है तो आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए केवल आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स आप सभी को दी गई हैं, तो आप सभी को बता दें 15 दिसंबर 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 29 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट होगी। अगर इसकी डेट एक्सटेंड होती है तो आप इसकी वेबसाइट पे चेकआउट कर सकते हैं। अगर इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है तो आप मान के चल सकते हैं कि इसकी डेट एक्सटेंड हो गई, अदरवाइज आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। साथ ही में यहाँ पे डेट ऑफ इंटरव्यू आप सभी को बता दें, जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड होता है, एचआर टीम की तरफ से आपको मेल या मैसेज के थ्रू कंफर्म कर दिया जाता है कि इस डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आप अपना इंटरव्यू वहां पे जाके दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स आप सभी को दी गई हैं अप्लाई करने की, लिंक
आप सभी को दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को गूगल ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जो भी डिवाइस यूज करें, जैसे आपके पास मोबाइल हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, आप इसमें गूगल ब्राउजर ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना होगा studyfordreams.in। तो ये वाली वेबसाइट आपको सर्च कर देनी है और जैसे आप ये वाली वेबसाइट सर्च करते हैं, सबसे ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा स्टडी फॉर ड्रीम्स लर्न फॉर फ्यूचर। तो फर्स्ट वाली जो लिंक आप सभी को दिख रही है, इस पर आपको कर देना है क्लिक और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहां पे सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट रिक्रूटमेंट 2024 आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनकेस अगर ये नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है, जहां पे आप फ्लिपकार्ट सर्च करके भी इस नोटिफिकेशन को फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद डिटेल नोटिफिकेशन आपके सामने ओपन हो जाता है, जिसमें हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को दी गई है और जो कि मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहां पे क्लियर कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप सभी को एक लिंक मिल जाएगा, इंपोर्टेंट लिंक्स। तो यहां पे दो लिंक आप सभी को दिए गए, एक तो अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यहां पे फ्लिपकार्ट की जितनी वैकेंसीज निकली उन सभी वैकेंसीज के लिए आप फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको वर्क फ्रॉम होम जॉब के लिए क्लिक करना है तो यहां पे आप सेकंड वाली लिंक पे क्लिक करेंगे, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लिपकार्ट वर्क फ्रॉम होम जॉब। तो यहां पे सेकंड वाली लिंक पे क्लिक कर देना, चैट प्रोसेस की वैकेंसी निकली हुई है, 100% वर्क फ्रॉम होम है, केवल घर से बैठ के आपको काम करना है। इसके अलावा अगर आपको अदर रोल्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको ऊपर वाली जो लिंक दिख रही है अप्लाई ऑनलाइन, तो फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे ही आप फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहां पे जितनी वैकेंसीज निकाली जाती हैं वो सभी वैकेंसीज आपको शो करेगा। आप सभी को बता दें कि नंबर ऑफ वैकेंसी आपको अप डाउन देखने के लिए मिल सकती है, यानी कभी ये वैकेंसी आपको कम देखने के लिए मिलेंगी, कभी आपको ये वैकेंसी ज्यादा देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल जॉब पोर्टल वेबसाइट है और यहीं पे सभी जो जॉब्स होती हैं वो यहां पे अपडेट की जाती हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि जैसे कि यहां पे आप चाहें तो जॉब्स इंडिया पे जा सकते हैं, जॉब्स इजराइल पे जा सकते हैं, अगर यूएस में आपको जॉब चाहिए तो जॉब्स यूएस पे आप क्लिक करेंगे तो यूएस में जितनी आपकी जॉब्स निकली हुई है वो सभी जॉब्स आपको दिखा देगा। लेकिन अभी हम इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहां पे आप सभी को दिखाएगा जो भी वैकेंसीज एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में निकली हुई है वो सभी वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, जिसमें आप देखेंगे रीजनल मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है, इसके अलावा डेटा इंजीनियर की, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड आपको मैनेजर, इसके अलावा और भी काफी सारी वैकेंसीज देखने के लिए मिल जाती है। मोर जॉब्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसमें बिजनेस एनालिस्ट हो गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव हो गया, यहाँ पे लोकेशंस भी आपको अलग अलग सिटीज में देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग आपको देख लेनी है आप कौन सी वैकेंसी में इंटरेस्टेड है और किससे आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मैच होता है, उसके अकॉर्डिंग आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है, आप सभी को जैसे मैंने बताया लॉग इन करके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी निकाली हुई है, बैंगलोर कर्नाटका में ये आपकी जॉब रहने वाली है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस जॉब की डिटेल्स आप सभी के सामने आ जाती है, जिसमें पूरी डिटेल्स आप सभी को इस जॉब के बारे में बता दी जाएंगी कि क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, क्या नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, पूरी चीजें आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है। लोकेशन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से 3.5 साल का एक्सपीरियंस जिनके पास भी है वो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी फ्रेशर कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी चीजें यहाँ पे आप सभी को दी गई हैं, तो एक बार अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया से आप इसे मैच करेंगे और मैच करने के बाद जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि हाँ मैं इसके लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो नीचे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई, तो अप्लाई वाले ऑप्शन पे कर देना आपको क्लिक और जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप सभी के सामने अप्लाइंग टू बिजनेस एनालिस्ट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज हो जाता है ओपन। सबसे पहले जो चीज आती है वो अपलोड रिज्यूमे, जो कि आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सभी को बता दें कि रिज्यूमे जितना इफेक्टिव आपका रिज्यूमे होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपको जॉब से रिवर्ट बैक आने के। आप सभी को बता दें कि जैसे गवर्नमेंट जॉब में भीड़ है उसी तरीके से प्राइवेट जॉब में भी सेम आपको ये देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी कंपनीज है और यहां पे हर कोई सिलेक्ट होना चाहता है। दैट्स व्हाई यहां पे कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है और सभी को यहां पे इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है। दैट्स व्हाई अगर आप अपने रिज्यूमे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मेंशन करेंगे अच्छे तरीके से, तो हो सकता है कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर लिया जाए और आप सभी को बुला लिया जाए। यहां पे कोई फी आप वगैरह आपको नहीं देनी है, कोई चार्जेस आपको नहीं देने, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन करने का सिर्फ आपका टाइम जाता है। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्ट लिस्टेड होता है तो आपको फ्लिपकार्ट में जॉब मिल सकती है। बाकी की आपकी बेसिक डिटेल्स हैं, जिसमें नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टोटल एक्सपीरियंस, जेंडर, करंट लोकेशन वगैरह पूछी
की जाती है उसके अकॉर्डिंग, और आपका इंटरव्यू ऑफलाइन होता है तो आपकी लोकेशन उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को इसमें डाल देनी है जो कि आपकी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है और वो आपके पास ऑलरेडी होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कर देना सबमिट, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर एचआर टीम आपके एप्लीकेशन फॉर्म को शॉर्टलिस्टेड करेगी, तब आपको मेल के थ्रू कंफर्म कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस है कि यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट की किसी भी वैकेंसी के लिए डायरेक्टली ऑफिशियली जाके अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस एकदम जेन्युइन है, इसमें आपके साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह होने के चांसेस 0% है। तो आप इस तरीके को यूज करके फ्लिपकार्ट की जेन्युइन वैकेंसी यहाँ पे ले सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने आप सभी को वर्क फ्रॉम होम जॉब वाली वैकेंसी बताई है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिनके लिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन फिक्स रहते हैं, जितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही आते हैं उन वैकेंसी को वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो आप जितना ज्यादा देरी करेंगे हो सकता है वो वैकेंसीज फिर आपको ना मिल पाए, लेकिन जैसे जैसे वैकेंसीज अपडेट होती रहती है मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता रहता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट के साथ प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता, इसी की वजह से वो ऐसी अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट नहीं ले पाते। तो आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है और अप्लाई करना है, क्योंकि मैं जितनी जॉब बताता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जॉब होती है, उसके लिए कोई चार्जेस या फी वगैरह आपको पे नहीं करनी होती है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का आपका टाइम जाता है, सिर्फ उसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है, और आपकी किस्मत अच्छी हुई, आपके पास क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अच्छी हुई, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है कि आपकी हेल्प से किसी एक जरूरतमंद को जॉब मिल जाए। तो प्लीज वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।